गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर ASDP के सेकेंड सेमेस्टर में एनिमल न्यूट्रिशन में विटामिन्स के बारे में अध्ययन करेंगे। कल हमने विटामिन की परिभाषा और विटामिन्स क्या काम करते हैं और उनकी कमी से क्या क्या बीमारियां हो सकती है उसके बारे में अध्ययन किया था। और कल हमने विटामिन्स का वर्गीकरण यानी फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। फैट सोल्यूबल में हमने कल विटामिन ए का अध्ययन किया था, वो विटामिन जो फैट में घुलनशील है यानी वसा में घुलनशील है उसके बारे में हमने विटामिन ए के बारे में अध्ययन किया था। आज हम सेकेंड विटामिन जो है जो फैट सोल्यूबल है वो है विटामिन डी। विटामिन डी इसकी खोज जो है मैककोलम ने 1922 में की थी। MC कोलम ने 1922 में विटामिन डी की खोज की थी। ये आहार की उपयोगिता के आधार पर इसको दो प्रकार के होते हैं। ये विटामिन जो है डी दो प्रकार का होता है। एक तो विटामिन D2 है जिसको अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। अर्गोकैल्सिफेरॉल विटामिन D2 और D3 है कोलीकैल्सिफेरॉल। तो ये दो प्रकार के विटामिन डी है। ये सूर्य की रोशनी में अल्ट्रावायलेट किरणों से जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है सूर्य की रोशनी में उससे शरीर में इसका सिंथेसिस होता है। विटामिन डी का सिंथेसिस जो सूर्य किरणों से होता है, इसलिए लोग बात कहते हैं कि आदमी को धूप में ज़्यादा बैठना चाहिए, धूप में भी बैठना चाहिए। इसलिए इसकी कमी जो है वो पशुओं में बहुत कम होती है क्योंकि पशु जो है ज़्यादातर खुले घूमते हैं या उनको धूप में ही बांधते हैं, मतलब अंदर बहुत कम रखते हैं, वो धूप में ज़्यादा उनको बाहर बांधते हैं, इसलिए उनमें कैल्शियम इस विटामिन डी की कमी बहुत कम होती है। इस विटामिन को जो है इसका दूसरा नाम एंटी रिकेट्स भी इसका नाम है। इसका नाम एंटी रिकेट्स क्यों है, क्योंकि रिकेट्स का मतलब है कि जब शरीर में कैल्शियम की कमी होती है तो बोन्स जो है वो छोटे जानवरों की मुड़ जाती है, जैसे कुत्ते वगैरह उनके बोन्स जो बेंट हो जाती है। आपने देखा होगा छोटे कुत्ते जो है एक महीने के दो महीने के अगर आप उसको कैल्शियम नहीं दोगे तो उसकी टांगें मुड़ जाएगी, इसलिए उसको रिकेट्स बोलते हैं। तो ये एंटी रिकेट्स है यानी विटामिन डी जो है वो कैल्शियम शरीर में कैल्शियम के भंडारण के लिए आवश्यक है विटामिन डी जो है, इसलिए इसको एंटी रिकेट्स बोलते हैं। अब इसके कार्य क्या क्या है, इसके जो मेन फंक्शंस है विटामिन डी के, एक तो ये आंतों में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को यानी एब्जॉर्प्शन को के लिए आवश्यक है। आंतों में कैल्शियम फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन के लिए आवश्यक है। जो किडनी की नलिकाएं होती है, किडनी की ट्यूबुल्स जो है उसमें फास्फोरस का पुनः अवशोषण यानी रीअब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन बी मदद करता है। और विटामिन डी जो है आंत में फाइटेज नामक एंजाइम की क्रिया को बढ़ा देता है। जो आंत में फाइटेज नामक एंजाइम होता है उसकी क्रिया को ये विटामिन डी है ये बढ़ा देता है। ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म को नियमित करता है तथा हड्डियों का पुनर्निर्माण करता है यानी रीमॉडलिंग ऑफ बोन्स। हड्डियों का पुनर्निर्माण, हड्डियों में कोई अगर मान लो कहीं पे ब्रेकेज वगैरह हो तो उसके पुनर्निर्माण के लिए विटामिन डी आवश्यक है, यानी ये कैल्शियम के मेटाबॉलिज्म के लिए भी आवश्यक है। एक होता है पैराथायरॉयड हार्मोन द्वारा हड्डियों में उपस्थित कैल्शियम और फास्फोरस लवण के स्थानांतरण में विटामिन डी मदद करता है, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन के द्वारा विटामिन डी जो है कैल्शियम जो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए मदद करता है। विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस का आंतों में ट्रांसपोर्टेशन में भी मदद करता है। आंतों के अंदर विटामिन डी जो है वो कैल्शियम फास्फोरस के
ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी मदद करता है। तो ये इसके कार्य हो गए विटामिन डी के। अगर विटामिन डी पशु के शरीर में या आहार में कम हो जाए, शरीर में कम हो जाए, आहार में जरूरत नहीं, क्योंकि तो सूर्य की किरणों से इसका सिंथेसिस होता है, तो इसकी कमी के क्या लक्षण है? इसकी कमी से पहला लक्षण तो यह है कि युवा पशु जो मतलब यंग स्टॉक जो है, जैसे बछड़े हैं, बछड़ियाँ हैं, छोटे कुत्ते के बच्चे हैं, उनमें ये रिकेट्स की बीमारी, अगर इसकी डी की कमी है तो रिकेट्स की बीमारी हो जाएगी, इसीलिए इसको एंटी रिकेट्स विटामिन भी बोलते हैं। अगर मान लो इसकी विटामिन डी की जो है शरीर में कमी हो जाएगी तो हड्डियों में कई प्रकार के विकार हो जाते हैं, जिसमें एक तो जोड़ जो है जॉइंट्स उनका आकार बढ़ जाएगा, जॉइंट्स जो है उनका आकार बढ़ जाएगा। एक लंबी जो हड्डियाँ लॉन्ग बोन्स, आपने एनाटॉमी के फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था बोन्स कितने प्रकार की, लॉन्ग बोन्स होती है, शॉर्ट बोन्स होती है, फ्लैट बोन्स होती है, रेगुलर बोन्स होती है, तो लॉन्ग बोन्स जो है उनका घूम जाना यानी बेंट हो जाते हैं, मुड़ जाना या टूट जाना, वो टूट जाती है, इतनी कमज़ोर हो जाती है कि वो घूम जाती है या मुड़ जाती है या वो टूट जाती है। अच्छा, जो मस्कुलर टिश्यू है, मांसपेशी ऊतक जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वो उसकी वीकनेस हो जाएगी। बूढ़े जानवरों में यानी जो ओल्ड एनिमल्स है उनमें हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। अगर मान लो ये कैल्शियम फास्फोरस कम होगा, विटामिन डी की कमी होगी, तो जो हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस है उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है उसको ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। मुर्गियों में यानी जो पोल्ट्री है उसमें अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी तो क्या क्या होगा? एक तो उसकी हड्डियाँ और चोंच मुलायम हो जाएगी, मतलब पक्षियों की चोंच जो है वो बीक जिसे बोलते हो प्लस हड्डियाँ वो मुलायम हो जाएगी, शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी, वृद्धि रुक जाएगी। एक पैरों का मुड़ना यानी पैर जो है वो मुड़ जाएंगे, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी तो पैर मुड़ जाएंगे, उसको बोलते हैं बोव्ड लेग, मुड़े हुए पैर। बोव्ड मतलब बोव होता है धनुष, धनुष मुड़ी हुई होती है, उसी तरह से इसको बोव्ड लेग बोलते हैं। अंडों पर जो बाहर की आवरण होता है, कैल्शियम का शेल बना होता है बाहर, जो कैल्शियम फास्फोरस का, वो उसका आवरण नहीं बनता है। अगर विटामिन डी की कमी हो तो आवरण कई बार नहीं बनेगा और अंडों के उत्पादन में कमी हो जाएगी। पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है वो आकार में बढ़ जाएगी, पैराथायरॉइड ग्रंथि आकार में बढ़ जाएगी। अगर दूध वाले पशु है, गाय भैंस दूध देती है और उसमें विटामिन डी की कमी है तो दुग्ध उत्पादन में कमी हो जाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कैल्शियम को एब्जॉर्प्शन में सहायता करता है। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है पशु में?